घर बैठे या दुनिया के किसी कोने में हज नहीं अदा कर सकते, उसके लिए आपको मक्का का सफर करना ही होगा और फिर जाकर के वहां जो है कुछ अरकान अदा करने होंगे, तब जाकर के ये फरीजा अदा होगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसके ताल्लुक से फरमाया, एक सेंटेंस में जो अल्लाह तआला ने इसकी अहमियत को भी बता दिया और इसके जो है ना अदा करने वालों को जो है तंबीह भी कर दिया। वलिल्लाहि अलन्नासे हिज्जुल बैते मन इस्तता इलैहि सबीला, अल्लाह के लिए लोगों पर यह हक बनता है कि जो पहुंच सकता है उसका घर वो पहुंचे। अल्लाह ताला ने इतनी ज्यादा अल्लाह ताला ने नवाजा है उनको, तो कम से कम इतना था कि उसका घर भी आबाद रहे, उसका घर आबाद कौन करे, उसके बंदे करेंगे, तो आओ एक एक मरतबा तो लाइफ में आओ। और नहीं आने वालों को धमकी देते इशारों में, जो कुफ्र करेगा तो जान लो अल्लाह बेनियाज है, अपने आप में काबिल तारीफ है, तुम आओ ना आओ ऐसा नहीं कि तुम्हारे ना आने की वजह से उसका खर्च या बर्बाद हो जाएगा वीरान। लेकिन सेंटेंस देखे कैसे, वमन कफर जो कुफ्र करे, यानी इस्तेआत होने के बावजूद मेरा घर नहीं है, हज के माने इरादा है, बैतुल्लाह का इरादा। इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने ये फरीजा अंजाम दे चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके इस पर का मौका मिल रहा है, और बहुत सारे लोग हैं जो दिल में तमन्ना तो रखे हुए हैं, अब अल्लाह तबारक व तआला कब उसको जो है ख्वाहिश पूरी करता है और बैतुल्लाह का दीदार उन्हें अल्लाह नसीब करता है। लेकिन ये दूसरे एंगल से आप देखेंगे कि जैसे एक महज इबादत नहीं, जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने हज को फर्ज किया है वहाँ पर इसका बेनिफिट भी बताया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब खाने काबा की तामीर कर लिए तो अल्लाह ताला ने कहा कि हज का ऐलान करो। खाने काबा जो बनाया गया था तो आप समझ लीजिए कि एक वीरान जगह पर बनाया गया, चारों तरफ से पहाड़ी है, अब बीच वादी में खाने काबा है, ऐसे है कि जैसे कि कटोरा में एक कोई जो है थोड़ा सा मकान गिला सकते, और बिल्कुल चारों तरफ रेगिस्तान और उसके चारों तरफ पहाड़, अब बीच में खाने काबा वादी, इसी वजह से सैलाब की वजह से बहुत अफेक्ट किया था। अब ऐसे जो है वीरान जगह पर जब तामीर कर दिया खाने काबा को, तो अल्लाह ताला ने का ऐलान कर हज के लिए लोगों को कॉल कर वाज़िम फिनाद बिल हज। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लगा कि यहाँ से कौन आवाज़ सुने, उस तो जमाने में जो है ना सोशल मीडिया था, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, ना प्रिंट मीडिया था, हमारी आवाज़ तो ये पहाड़ी से बाहर भी नहीं जाएगी, कौन आएगा यहाँ घर को आबाद करने। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारा काम है आवाज़ान देना, नमाज़ी पढ़ाना मेरा काम, वाज़िम फिनाद बिल हज यातू के रिजाल वाला कुल ज़ामर यातीन मिन कुल फज्जिन अमीन, लोग आएंगे पैदल भी आएंगे और जो है दूर दराज से ऊँटनी पे भी आएंगे, इतनी दूर से आएंगे तो ऊँटनी लाकर हो जाएगा, दुनिया के कोने कोने से लोग आएंगे, इंसान को दुबला बताने वाले ऊँटनी लाकर हो जाएगी, ये डिस्टेंस बता, इसलिए लिया शुद्ध मुनाफा ना, ताकि खुद अपने जो है मुनाफे का मशाता करें। मुनाफा का मशाता क्या है, बहुत सारी चीज़ तो आप जानते हैं कि वहाँ जो है लोग कुर्बानी करते हैं, तो अरब वालों को जो है जब गरीबी थी गोश्त खाने को मिल जाता था, कारोबार चमक जाता था, लेकिन असल जो मुनाफा है वहाँ पर क्या है कि आप देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुस्लिमा को तस्बीह में ऐसे पिरोया है कि इस्तेमायत जो उसकी घुट्टी में डाल, पहले नंबर पर आप देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुसलमान को कहा कि इबादत तो आपको अंजाम देनी ही देनी, लेकिन हमारे बताए हुए तरीके को मुताबिक देना, ताकि इबादत भी अदा हो इस्तेमायत भी स्ट्रॉन्ग। उसके लिए अल्लाह ताला ने क्या कहा कि आप जो है नफिल नमाज, सुन्नत नमाज, तहज्जुद नमाज आप घर में पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी बात है, रूहानी ज़्यादा बढ़े, लेकिन फ़र्ज नमाज जो हम कर देंगे 17 रिकात की तादाद में, 5 टाइम अलग अलग में, तो वो जो है आपको घर से निकल करके जो है महल्ले के मस्जिद में आना, जितने महल्ले के मर्द हजरात हैं वो घर का फ़र्ज नमाज नहीं अदा करेंगे, महल्ले के मस्जिद में एक जगह जमा होंगे और कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधे मिला करके जो है इबादत अंजाम देंगे, तो एक वक्त आएगा कि दिल भी मिल जाएगी, एक मस्जिद के लिए 5 वक्त जमा होते चले जाएंगे। तो यकीनी बात है कि ये जो एक बिल्डिंग में 2 फ्लैट में रहने वाले जो अजनबी रहते हैं तो मस्जिद वो अजनबी नहीं रहे, 3-4 दिन के बाद हाई हेल्लो शुरू हो जाएगा, आप कहाँ से आए नहीं आए हैं, तो कितना भी जो है सिटी कल्चर की वजह वहाँ जो है मेल मोहब्बत पैदा हुई,
फिर अल्लाह ताला ने कहा कि ये जो है आपस में महल्ले में रहने वालों को जान पहचान का जरिया था मस्जिद तुम्हारे कर दी, लेकिन एक शहर में जो 500 मस्जिद 500 महल्ले हैं इनके दरमियान जो है ताल्लुकात कैसे बने, कैसे जान पहचान होंगे, ताल्लुक कैसे हो? तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए जो है जुमा की नमाज पढ़ कि जुमा जो है वो जामे मस्जिद में अदा की जाएगी और एक शहर में एक ही जुमा की मस्जिद, ताकि तमाम मोहल्ले के लोग अपनी मस्जिदों को छोड़ करके जामे मस्जिद में आए और बिकली जो है मुलाकातें उनको जो है 5 जुमा 6 जुमा 7 जुमा 8 जुमा 10 जुमा उसके बाद तो जो है चेहरे से चेहरे जब मिलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो जो है जान पहचान बढ़ जाएगी। और ये आपको मुसलसल हो रहा, साल में 50 मरतबा हो रहा, 52 मरतबा हो रहा, तो फिर पूरा शहर जो है एक जो है जान पहचान हो जाएगा, शनासाई हो जाएगा। फिर अल्लाह तबारक तआला ने कहा एक शहर का दूसरे शहर का, एक गांव वालों का दूसरे गांव वालों से कैसे इंटरेक्ट, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में तो कई गांव, एक तालुका में कई गांव, तो उसके लिए अल्लाह तबारक तआला ने फिर ईद के जो है ईद की नमाज जो है आबादी से बाहर मस्जिद में नहीं, आबादी से बाहर ईदगाह मदर मैदान, आप मैदान में इसलिए अदा की जाए ताकि कई गांव के लोग जो है वहां पर, अब वहां पर औरत मर्द बूढ़े बच्चे सब बुला, यहाँ तक हाइजा औरतों को भी लाओ, नमाज ना पढ़े चलेगा लेकिन मुंडी तो की नहीं जाएगी, मुसलमानों की तादाद तो दिखेगी, तो दुश्मन के हौसले ऐसे पस्त हो जाएंगे कि इतने को कैसे खत्म करेगा, कभी कभी मुंडी की भी तादाद हो जाती है, कभी कभी टैलेंट की खोलते हैं अन्य। तो ईद बकरीद में अल्लाह ताला ने कहा कि तादाद दिखाओ, शो करो, ताकि दुश्मन का हौसले पस्त हो, लिहाजा आप देखेंगे कि एक रास्ते से जाओ दूसरे से रास्ते से आओ, ये सारे इंतजाम किया गया ताकि चलत फिरत जो है आप फिर तकबीर कहते हुए जाओ, तकबीर कहते हुए आओ। तो आप समझिए कि ताल्लुका लेवल पे तो अल्लाह ताला ने हर एक को स्ट्रॉन्ग किया, फिर ताल्लुका का लीडर दूसरे ताल्लुका के लीडर से आराम से बात करता रहता है, लेकिन अल्लाह तबारक ने फिर कहा कि एक जो है आलमी कॉन्फ्रेंस भी होनी चाहिए, तो दुनिया के जितने कोने में मुसलमान रहते हैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हर साल होना चाहिए, ताकि मुसलमान एक दूसरे के हालात से वाकिफ, कहीं का मीडिया कितना ही न्यूज़ क्यों ना दबा दे, अगर हज में पूरी दुनिया के मुसलमान चले जाते हैं तो कौन ऐसा मुल्क है जहाँ के जो है इंफॉर्मेशन आपसे जरूरी रह जाए, आपको शाम के हालात मालूम करने हैं, शाम के लोगों से आप जाके बात कर लीजिए, मीना में तो मिल ही जाएंगे आप, फलस्तीन के रियल हालात मालूम कर रहे हैं आपको जो फलस्तीन के लोगों से मिलिए, मिस्र के हालात मालूम कर रहे हैं मिस्र के लोगों से बात कर लीजिए, दुनिया का हर कोने से जो है इंसान आया हुआ है आपके पास, अगर जो है उम्मत के जो है दर्द है आप सबसे जाके बात करें, बर्मा के लोगों से आप बात कर सकते हैं, जहां के भी लोगों से बात करनी आप कर सकते हैं। तो ये जो है मुसलमानों का समझिए एक तरह से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, और फिर हज के जो एक्टिविटीज है ऐसे हैं कि पूरे जिहाद की ट्रेनिंग, यहां जाना वहां जाना, यहां रात गुजारना वहां दिन गुजारना, ये क्या है ट्रेनिंग में यही तो होती है, रात जागना सुबह में ही करना, सुबह करके रात जागे हैं फिर भी सुबह में जहां से वहां कुछ कर जाना, मुजाहिदों को जो ट्रेनिंग होती है वो एक्टिविटीज की अपने आप पर कंट्रोल रखने की किस स्थिति होती है, ये तो होती है कि रात भर जागा है अब फिर सुबह से जाने के लिए तैयार है कि नहीं, 15 किलोमीटर अगर चलना पड़ता है तो चलेगा कि नहीं, 15 किलोमीटर चल के थका है फिर आकर कहें कि रात उधर जहाँ के गुजारो तो वहाँ जा पाएगा कि नहीं, इसीलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको तो औरतों का हज कहा, सहाबियात जब आकर के शिकायत की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलुल्लाह मर्द हजरात जो हैं ये तो जहाद में शामिल होते हैं पूरा सवाब लूट लेते हैं, तो हम लोगों को भी जान दीजिए हम लोग भी सवाब लूटे हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारा हज जो है वो हज मकबूल, जहाद जो है वो हज मकबूल है औरतों के, इस लिहाज से समझिए कि ये जो है हाफ जिहाद है और उसकी तैयारी, अब यकीनी बात है कि इस सेंस के साथ कोई जाता ही नहीं वहां, ना आदमी बिरादरी का वो मेंबर के हिसाब से जाता है ना उसकी फिक्र होती है, और ये बॉर्डर जो है ये एक लानत जो मुसल्लत हुई इसी सदी में उसको जो इतना ज्यादा तकद्दुस दे दिया गया है कि आप समझ जाइए, मैं सोच रहा था कि अगर कोई बंदा इंडिया का वतन कहते हैं ना, वतन वतन किसको कहते हैं जो करीब के लोग रहते हैं हम वतन, पंजाब का अगर सिद्धू है और पाकिस्तान का भी पंजाब एक है दोनों डिवाइड हो गया था,
लेकिन शशि थरूर जो है केरला का, सिद्धू के लिए हम वतन शशि थरूर है लेकिन इमरान खान नहीं, जबकि उसके बगल में, क्यों? क्योंकि बॉर्डर बना दिया गया है कि केरला का कहां आदमी हमारा हम वतन है, अब बगल का पड़ोसी अगर बॉर्डर खींच गई है तो हमारा वतन है। कौन सा तो मुसलमान जो है वो हर जगह का मुसलमान का हम वतन, और ये वक्त जो है तकद्दस इतना खींच दिया गया कि अगर इंडिया के मुसलमानों के साथ अगर मुसीबतें आ रही हैं, अब बगल का कोई जो है बांग्लादेश का है, पाकिस्तान का है, नेपाल का है, सऊदी का है, और उससे जाकर के लोग बोले कि वहां देखे हालात खराब हैं, तो कहते कि नहीं हमारा मैटर नहीं, ये इंडिया का मैटर, ये बांग्लादेश का मैटर, ये बर्मा का मैटर है, हमारा मैटर नहीं। हमारा मैटर कब होता जब हमारे मुल्क के बंदों को सताए, कितने ज्यादा जो है दूरी कर, कहीं पे भी कुरान हदीस में ये बॉर्डर का तकल नहीं है। अल उम्मत उम्मत उम्मत, उम्मत का कोई फर्ज जाए, चाहे अफ्रीका के जंगल में हो या अमेरिका के शहरा में हो, वो आपका भाई है और आपको उसी तरह दर्द होना चाहिए जिस तरह आपका हम वतन पे कोई मुसीबत आए तो दर्द। अगर तबरेज का अगर मामला हो गया झारखंड में तो जो दर्द है, तो शाम में भी अगर हो रहा तो उसमें भी दर्द होना चाहिए, यमन में हो रहा तो उसमें भी दर्द होना चाहिए, बर्मा में हो रहा तो उसमें भी दर्द होना चाहिए, फलस्तीन में हो रहा तो उसमें भी दर्द होना चाहिए, मिस्र में हो रहा तो उसमें भी दर्द होना चाहिए। कुरान हदीस में कहां पर आया है कि बॉर्डर के अंदर के दर्द ज्यादा होना चाहिए या बॉर्डर के बाहर का कम होना चाहिए? वतन तो ठीक है जहां आप रह रहे हैं, लेकिन मैंने बताया कि ये वतन तो लकीर का नाम नहीं है ना, हम कौम हैं, हम जबान हैं, हम कल्चर हैं, ठीक है उसको वतन मान लें, उसको इतिहास मिल जाए, लेकिन ये क्या कि जो है हम वतन है लेकिन बॉर्डर खींच गए तो हम वतन नहीं है। इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि आज मैं जो है सोच करके आया कि आपके सामने एक हज के जो है तारुफ क्या है, ताकि उसके बारे में जानेंगे तो गैर मुस्लिम को कम से कम यह बता सकते हैं, अगर वो पूछेंगे भाई 3-3 लाख रुपया खर्च करके जाते हो ये है क्या, और अगर पहले से जाने रहेंगे तो अपने बच्चों को भी बता सकते हैं, कोई रिश्तेदार जाने वाला हो तो उनको भी आगाह कर सकते हैं, और फिर अभी जो 8 दिन हिज्जा से शुरू होगा वो कम से कम जो है टीवी पे बैठ के मजा तो ले सकते हैं कि देखिए हमारा आर्मी कॉन्फ्रेंस हो रहा, हम तनहा नहीं, हमारे तो 50 लाख वहाँ जो है अदा कर रहे हैं। इस लिहाज से आज रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, बहुत सारे लोग मुझे यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे जो है रिक्वेस्ट भी भेज रहे हैं कि आपका हज पे कोई रिकॉर्ड नहीं है क्या बताइए, तो लोग जाने का इरादा बना लेते हैं तो सुनना चाहते हैं। मैं उनको वादा किया था कि ठीक है हज का टाइम जब आएगा तो मैं आपको एक लेक्चर रिकॉर्ड करा दूंगा, और इसकी खसूसियत ये रहेगी कि बहुत ही इजी वे में मैं बताऊंगा आपको, तो आधे घंटे में आपको उमरा भी समझ में आ जाएगा, आधे घंटे में आपको हज भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं जब तैयारी कर रहा था तो मुझे तो 3-3, 4-4 घंटे की वीडियो देखना पड़ता, हर मसल का मैं देख रहा था उसमें से शाम कर, लेकिन इंशाल्लाह मैं जो है बिल्कुल ईजी वे में आपको जो है आधा घंटा में समझा दूंगा और एकदम आसान में बताऊंगा कि आपके दिमाग में भी बैठ। तो मैं शुरू करता हूँ। खाने काबा का जो है तारुफ जो है देखिए, मैं जो खाने काबा का तार नक्शा बनाऊंगा उसमें ये रहेगा कि आमतौर से जब खाने काबा आप देखते होंगे तो सामने आपको जो है खाने काबा का गेट दिखता होगा, लेकिन मैं जो अभी बनाऊंगा उसमें जो है जो मैप रहता ना मैप में क्या रहता है कि शिमाल में जो ऊपर रहता है, जुनूब नीचे रहता है, राइट साइड में मशरिक और लेफ्ट साइड में मगरिब, उसी हिसाब से जो है मैं खाने काबा की तस्वीर चौकोर करता हूँ। खाने काबा, खाना मने घर, काबा मने चौकोर, यानी चौकोर घर, और इस घर को ये क्रेडिट हासिल है कि ये अल्लाह तबारक व ताला के नाम पर और अल्लाह ताला के लिए ये पहला घर है जो बनाया। इन अव्वल बैतुन वज़ुअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का, ये पक्का जो है मक्का बन गया है, ये पहला घर है जो अल्लाह तबारक ताला के बनाया गया, कहाँ पे? ये हालात जमाने के हिसाब से जो अप डाउन होता रहा, टूटता भी रहा, बनता भी रहा, अभी जो हमारे पास है समय चाहिए।
बिल्कुल बराबर बराबर चौकोर नहीं, इधर से थोड़ा लंबा है और इधर से चौड़ाई में थोड़ा सा कम। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो बनाए थे वो चौकोर नहीं बनाए, वो समझिए तो और इतना जो है यहाँ तक दिए, बिल्कुल लंबाई में ज़्यादा डबल और चौड़ाई में कम। लेकिन हुआ क्या कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल पैदा किए जब दुनिया में आ गए थे और तकरीबन जो है 35 साल के थे, तो एक मरतबा सैलाब आया, सैलाब आया तो खाना काबा टूट गया। तो वहाँ के मुश्रिकीन मक्का ने जाके नबी नहीं बने थे मोहम्मद, तो मशवरा हुआ कि खाना काबा बनाया जाए, क्योंकि हज का परफॉर्मेंस तो पहले से चल रहा था। तो उसमें लोगों ने एक मशवरा दिया कि खाना काबा अल्लाह का घर बनाने जा रहे हैं, तो उसमें यह है कि हम लोग जो है पैसा जो डालेंगे वो बिल्कुल जो है हलाल पैसा डालें, हराम पैसा नहीं डालें। और उन लोगों की जो मईशत थी वो बिल्कुल जो है क्या थी, लूट मार ये सब थी, डकैती वगैरह, ज़्यादा पैसा कम जमा हुआ। अब ऐसा लग रहा था कि ये घर जो है इतना बड़ा कंप्लीट नहीं हो पाया, तो लोगों ने कहा भाई हज का टाइम आने वाला है, ऐसा अधूरा घर तो नहीं रह पाएगा, तो ऐसा करो कि आधा ही बना दो या आधा से जो है 70% बना दो, और जितना पैसा नहीं होता उसको छोड़ दो, बाद में देखा जाए, लेकिन हज तो आधा हो जाएगा। तो इस लिहाज से लोगों ने इतना हज बनाया और इतना जो है एरिया को खाली ऐसे बाउंड करके छोड़ दिया। इस एरिया को बोलते हैं हतीम, ये हतीम जो है ये खाने काबा में शामिल है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब बनाते थे इतना बड़ा बनाया, और उस पर जब उन्होंने बनाए थे तो छत नहीं डाले, बिना छत के था, और दोनों तरफ गेट डाले थे इधर से भी इधर से। लेकिन जब ये लोग बनाए तो फिर जो है एक तरफ का गेट मगरिब साइड वाला बंद कर, ये समझिए कि मगरिब है, ये मशरिक है, ये शुमाल है, ये जो इधर वाला बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? क्योंकि यहाँ पर जो खाने काबा के लिए नजर नियाज आते थे तो लोग चोरी करके भाग जाते, इधर से दूसरे इधर से भी इधर से निकल गए, तो इसलिए बाद में जब बना तो गेट को भी उन्होंने ऊपर कर दिया, गेट ऊपर देखते हैं जमीन से नहीं, ताकि जिसको वो अलाउ करे वही जाए, जिसको अलाउ ना करे वो ना। अब ये शुमाल है ऊपर, ये जुनूब है, अब ये मशरिक, ये मग, यहाँ पर जो है ये इस कोने पर हजरे अस्वद, ये जो कोना है ये रुकने यमानी का है, कि नीचे जो है जुनूब में यमन है और हमारा इंडिया जो है ये है, और इसको रुकने शामी बोलते हैं, इसको रुकने इराकी, इधर इराक है इधर शाम है, और आप जानते थे मक्का जो इधर है मदीना इधर है, ये खाने का बात है। और मकाम इब्राहिम जो है समझिए कि यहाँ, अब आप हम लोग जो जाएंगे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज और उमरा करने वालों के लिए चारों कोने पर चार शहर को जो है फिक्स कर दिए हैं कि कोई भी हज उमरा करने वाला बिना एहराम की हालत में इसको क्रॉस ना करे। जैसे कोई मदीना से आ रहा है तो उसके लिए जो है ज़ुल्हुलैफ़ा है, शाम से आ रहा है तो जोफा है, इंडिया से जाने वालों के लिए एक दूसरी शहर है उसका नाम है यलमदम, वो जगह जिसको हाजी या उमरा करने वाला बिना एहराम के क्रॉस नहीं कर सकता उस जगह को बोलते हैं मीकात। तो इंडिया वालों के लिए मीकात अलग है, शाम वालों के लिए मीकात अलग है, इराक वालों के लिए मीकात अलग है, लेकिन इंडिया वालों के लिए जो मीकात है वो क्या है, यलम। तो यहाँ से जो है एयरपोर्ट ही पे जो है रसूल रसूल कर करके आप एहराम पहन करके जो है बैठ जाएंगे जहाज़ में, और एहराम जो है वो उमरा के लिए भी शर्त है और हज के लिए भी शर्त है। एहराम क्या है? कुछ पाबंदियों का नाम, और उसमें एक मखसूस लिबास है मर्दों के लिए, दो बिना सिला हुआ चादर, एक लुंगी के तौर पर लपेट लेंगे और एक चादर के तौर पर ओढ़ लेंगे। औरतों के लिए कोई मखसूस लिबास नहीं, जो रोज़मर्रा पहनते हैं वही पहनेंगे, बस एहराम में कपड़े में यह है कि मर्द हजरात या सर नहीं ढांक सकते, ना टोपी से, ना पगड़ी से, ना किसी रुमाल से, औरतें जो है चेहरा नहीं ढांक सकती और हथेली नहीं ढांक सकती, ये बुखारी शरीफ की क्लियर कट हदीस है कि नहीं ढांक सकती किसी भी हाथ, बहरहाल उसका चेहरा खुला रहेगा। कुछ लोगों को गलतफहमी लग रही है कि एक जो है हदीस है अबू दाऊद की, हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बात बताते हैं कि हज़रत आयशा फरमाएं कि मैं हम लोग मोहम्मद सल्लम साथ हज कर रहे थे तो चेहरा खोले रहती थी, और जब कोई अजनबी आता था तो चेहरा ढांक लेती थी, तो ये बात जो है बिल्कुल सही है।
और मुझे ताज्जुब हुआ कि 30 टीवी पे भी जो है आलिम बोल रहे थे कि बिल्कुल सही हदीस है, जबकि इस्लाम 360 में भी चेक करेंगे तो सही हो। अब बुखारी में जब मोहम्मद वसल्लम बोल दिए कि चेहरा नहीं ढांकना है तो किसकी मजाले के बाद, इस लिहाज से जो है एहराम की हालत में औरतों का चेहरा खुला रहेगा और मर्द का जो है सर खुला रहेगा, और फिर जो है एहराम की हालत में कुछ चीज़ें जो है पाबंद हो जाती, जैसे आप खुशबू नहीं लगा सकते, आप जो शैम्पू नहीं इस्तेमाल कर सकते, खुशबू वाला साबुन नहीं लगा सकते, औरतों के साथ जो है बीवियों के पास नहीं जा सकते, उस तरह की बातें नहीं कर सकते, निकाह नहीं कर सकते, किसी को निकाह को जो है अरेंज नहीं कर सकते, निकाह का खुतबा नहीं दे सकते, यानी पैगाम नहीं दे सकते, ये सारे अब यहाँ से यलमलम जैसे ही क्रॉस होगा और जहाज पर ऐलान हो जाएगा तो यलमलम क्रॉस होने वाला है, तो वैसे ही आप जो है हज और उम्रे की नियत कर लेंगे। हज तीन तरह का, एक हज इफराद, हज किरान और हज तमन। हज इफराद जाने हाजी ने अगर इरादा किया है कि ओनली मैं हज करके आ जाऊंगा जल्दी से, तो इसको बोलते हैं हज इफराद। और दो जो है हज किरान हज तमतो, इसमें हाजी की नीयत ये रहती है कि मुझे जाना है एक सफर में उमरा भी करना है और हज भी करना है, क्योंकि जब इतना महंगा है तो दोनों का फायदा क्यों ना लें, दोनों का सवाब क्यों ना लें। लेकिन अगर आपने हज किरान की नीयत की तो आपको करना क्या होगा कि जाने के साथ अब उमरा करेंगे, अब उमरा करने के बाद एहराम की हालत से बाहर नहीं आएंगे, एहरामी की हालत में रहेंगे, और फिर हज का टाइम आएगा तो फिर हज करेंगे, और हज जब कंप्लीट हो जाएगा तब एहराम की हालत से बाहर। लेकिन अगर हज तमत्तु का अगर आपने इरादा किया है तो आप क्या करेंगे, तो उमरा करने के बाद हज एहराम की हालत से बाहर आ जाएगा, फिर जब हज का टाइम आएगा फिर नया एहराम बांधेंगे और फिर जो है करेंगे। तो ये बीच में जो आपको फ़ायदा उठाने का आ गया तो इसको बोलते हैं हज तमत्तु। तो जैसे आपने हज का इरादा किया है वैसा आप ये करेंगे। 99% लोग जो हज तमत्तु करते हैं क्योंकि एक सफर में दोनों का फ़ायदा होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज किरान किए थे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लोग हज तमत्तु किया। अब यहाँ यलमलम से आ जाएंगे, जैसे आएंगे तो सबसे पहले जो है उमरा करेंगे। उमरा में क्या करेंगे, खाना काबा आते ही सबसे पहले हजर असवद के पास, हजर असवद को हम क्या करेंगे, मौका मिलेगा तो चूमेंगे, और अगर भीड़ है तो हाथी से टच कर देंगे और हाथ को चूम लेंगे, नहीं है तो लकड़ी से जो है उसको चूम लेंगे और चूम लेंगे, और बहुत ज़्यादा भीड़ है तो दूरी से इशारा कर देंगे और काफी। और ये तीनों हाथ नहीं लगा, जब छुएंगे तो हाथ लगे और नहीं छुएंगे तो हाथ लगाने की जरूरत। इस अमल को बोलते हैं इस्तिलाम, क्या बोलते हैं, तो हजर असवद का इस्तिलाम से जो है तवाफ शुरू करें। और तवाफ शुरू करेंगे तो आप जो है घर से चक्कर लगाएंगे या इधर से चक्कर लगाएंगे, बाया शोल्डर जो है आपका खाने का काबा होगा, इसका मतलब है वो ऐसे नहीं करना, तो यहाँ से जो है तमाम। अब इन तमाम जो या हतीम से जो है बाहर से चक्कर लगाए, क्योंकि हतीम जो है ये खाने काबा के अंदर, बाद में जानते हैं कि ये इसका बड़ा इशू क्या है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा कि ये क्या है, ये निकला हुआ थोड़ा सा सिंबल के तौर पर बना दिए हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो है हमारे टाइम में ये पूरा जो था ये खाने काबा में था, लेकिन कुछ साल पहले जो है ये मामला हुआ तो किसी से पैसा नहीं हो पाया, इतना ही बन पाया, इतना छूट गया, सिंबल के तौर पर छोड़ दिया। अब तो मेरा जो गलबा आ गया है, अब तो मैं चाहूँ तो पूरा खाने काबा को यहाँ से यहाँ कर दूँ, लेकिन तुम्हारी कौम जो अभी नई नई मुसलमान हुई है, अब उनकी अकीदत जो इतनी ही से है अटैच है, अब मैं इसको अब फौरन छेड़छाड़ करने जाऊँ तो लोग कहेंगे कि ये दुनिया का हर चीज़ को बदलना चाहिए, तो कहीं उनका इतमान जब क्रैश ना हो। जहाँ तक मैं शरीर ख्वाहिश के बावजूद जो है इब्राहिम ही इस पर जो है नहीं ला पाया, ये ख्वाहिश के इशार करके मोहम्मद वसल्लम छोड़ दिए। लेकिन आप जानते हैं खुलफा राशिदीन वगैरह भी जो छोड़ दिए गए जो मोहम्मद वसल्लम ने जज के काम भी करें, लेकिन जो अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जब दौर आया था तो उन्होंने क्या किया कि बोले कि मोहम्मद वसल्लम का दौर तो अब काफ़ी अरसा गुजर गया है, 685 में 625 में मोहम्मद वसल्लम दुनिया से चले गए, तकरीबन 60 साल तो हो गए, 50-60 साल। तो अब जो है नए नए मुसलमान लोग हैं नहीं, पक्के मुसलमान पुराने मुसलमान हो गए,
تو ان کی حکومت آئے تو حکیم کو انہوں نے شامل کر دیا اور پورا خانہ کعبہ یہاں تک بنا. لیکن پھر جب ان کی شہادت ہو گئی 7 سال کے بعد تو پھر بنو میاں والوں نے پھر اس کو اسی اسٹائل بنا. نہیں جاہلیت کے زمانے سے کیسا زمانے سے تو پھر ایسے. پھر بنو عباس حکومت آئی تو انہوں نے کہا پھر میں ایسے بناؤں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی. لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی خانہ کعبہ کو خاندانی ایشو مت کرو, جانے دو, آپ لکھنا ہی جو ہے کافی ہے. اب بعد میں لوگوں کو اس کی افادیت بھی سمجھ آئی. تو کیا سمجھ میں آنے لگی کہ اندر کا حصہ تو صرف بادشاہ سلامہ کے لیے کھلے گا, ان کے خاندان والوں کے لیے کھلے گا, پبلک کے لیے تو رہے گی نہیں. تو کچھ لوگ ہیں جو شوق رہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا اندر کاش نما پڑھنے کا موقع مل جاتا, چاہے کہ مجھے رات ہی کیوں نہیں سوئی. تو ان کے خواہش پورے ہونے کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیس دے دیا کہ جو حدیث میں نماز پڑھ لیا گویا کہ اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھا. اور یہاں تو ریچ آسانی سے ہر آدمی کو ہے, اور یہاں اندر تو صرف جو ہے بادشاہ لوگ جائیں گے یا پرائم منسٹر وغیرہ جائیں گے. تو لوگوں کے جو خواہش بھی پوری ہونے لگی, آج ہی عمرہ کرنے والا ہوں, لوگوں نے لگا کہ فائدہ بھی ہے یہی رہنے دیا. باقی ہر خاندان والا آئے گا تو پھر توڑتا رہے گا, دوسرا آئے گا تو ادھر بنائے گا, تو یہ خانہ کعبہ خام خواہ مزاق بن جائے گا. اس لحاظ سے یہ حدیم کی ہسٹری میں سائڈ بائی سائڈ بڑھا. تو ایسے جو ہے یہاں سے طواف کریں کہ اب اس میں جو ہے آپ جو چاہیں دعا پڑھ سکیں. کوئی جہاں پہ آئیں گے تو یہ رکن یمانی, یہاں پر اس کا استعلام جو ہے مشترک, ٹھیک ہے. اور پھر یہاں سے یہاں یہ جو ہے یہ بہت اہم ایریا ہے اجرا سے. 70 انبیاء کرام کا مسلح رہا, اور یہیں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے میں تھے اور مدینہ ہجرت نہیں کیے تھے تو یہیں پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا. آپ ادھر رک کریں گے تو خانہ کعبہ پہ کام پورا ہو جاتا تھا, اور ادھر جو ہے شام میں جو بیت المقدس ہے وہاں بھی ہو جاتا تھا, اس کو اس کے سارے جو ملتیں ہو جاتا تھا ڈبل ہو جاتا تھا. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے تو مدینہ تو بیچ میں ہے, مسجد اقصیٰ اوپر ہے, خانہ کعبہ نیچے ہے, اب دونوں میں سے کسی ایک کی طرف منہ ہوگا دوسری طرف پیچھے ہو جائے گی. تو 17 مہینے جو ہے گھڑی کر کے نماز پڑھے, 17 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اب قبلہ چین اب کدھر کر دیں. تو طواف کرنے والا جب یہاں سے یہاں تک آئے گا تو ایک مخصوص دعا پڑھنے گا, وہ دعا کیا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. دنیا کا سب سے بہترین شارٹ اینڈ سویٹ, یعنی کوئی چیز آپ چھوڑے ہی نہیں. اے اللہ ہمیں دنیا کی ساری بھلائی ادا کر دے اور آخرت کی بھی ساری بھلائی ادا کر دے اور جہنم سے ہی بچا. بچا کیا, دنیا آخر سارا لے لیا. یہ جو ہے یہاں پر ہر چکر میں پڑے گا, اور جیسے چکر کمپلیٹ ہوگا تو پھر اس کا استعلام کرے. استعلام میں جیسا موقع رہے ویسا ہی کرے. یہاں پر جو بہت زیادہ گڑبڑی ہوتی ہے, عورت مرد ایک دوسرے پر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں ایک مستحب ادا کرنے کے لیے, جبکہ مرد عورت کو ڈسٹینس بنانا فرض. یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ہے ایک مستحب کے لیے فرض کو قربان کیا جاتا ہے. یہ سچی یہ حجر اسود جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے جنت کا یاقوت پتھر. جب یہ آیا تھا تو بالکل جو ہے یہ دودھ کی طرح سفید, لیکن لوگوں کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اور چومنے کی وجہ سے یہ آپ جو ہے کوئلے کی طرح کالا. اس لحاظ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کتنا خطرناک ہے کہ جنت کے پتھر پہ بھی اثر چھوڑ جائے, جب اس کا اثر اس پہ آنا چاہیے تو اس کا اثر اس پہ چلا جائے. تو اب حاضر آسمت کو استعلام کریں گے پھر دوسرا چکر لگا, اس طرح سے جو ہے کتنا مرتبہ کریں گے, سات. خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے کو احرام کی حالت میں طواف. طواف آپ کا مکمل ہو گیا, اس کے بعد مقام ابراہیم پر آئیں گے اور یہاں پر دورے کا شکرانہ کے طور پر نماز. یہ مقام ابراہیم کیا ہے, یہ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے جو تعمیر کر رہے تھے وہ جہاں تک ہاتھ گیا وہاں تک تو پتھر لائے ڈال دیے. ایک مستری ایک مزدور, باپ مستری بیٹا مزدور, اسماعیل علیہ السلام پتھر لالا میں دیتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام دیوار جوڑتے چلے جا رہے تھے, لیکن ہاتھ جہاں تک جائے گا وہیں تک پہنچائیں گے. اس کے بعد آگے تو کوئی جو ہے سیڑھی وغیرہ تو تھی نہیں, تو انہوں نے کہا بیٹا کچھ پتھر لے گا اس پہ میں کھڑا ہو کر کے اور اوپر چلے جاؤں. تو انہوں نے پتھر لا کر کے دیا, وہ پتھر سے موزہ رونا, وہ پتھر بالکل جو ہے ایسا لگا کہ اس کے اندر اسپرنگ لگ گیا ہے, اور جیسے جیسے ہائٹ کا ڈیمانڈ ہوتا گیا وہ پتھر اپنے آپ اٹھتا چلا, اور جہاں تک ان کو ہائٹ لینا تھا وہاں تک اوپر گیا, پتھر اپنی جگہ پر. اب یہ 4000 سال بعد کسی کو یہ اسٹوری بنا دے تو لوگ کہتے ہیں ہر آدمی اپنے نبی کے بارے میں ایسے بولتا رہتا ہے, پھر کم پھاگ لگاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر ایک نشان بھی چھوڑا,
ابراہیم علیہ السلام جب اس پتھر پر سے قدم نکالے تو ان کے قدم کے نشان اس میں دھس گئے، جیسے گیلی مٹی پہ دھس جاتے، لیکن پتھر پہ تو دھستا نہیں. اب وہ آج تک محفوظ. اب یہ ہے یہاں پہ جو سونے کے جالی سے جو اس کو گھیر دیا گیا ہے، کیونکہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا کلچر ایسا ہے کہ وہ فوراً چومنا چڑھنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ جب یہ حجر اسود کو چوم رہا ہے تو اس کو بھی چومیں. سعودی گورنمنٹ نے اس کو پیک کر دیا، دیکھ تو سکتے ہو چومنے سے. چومنے کا عمل کے سے جو ہے حجر اسود کو ہے، وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے کہا، اے حجر اسود کان کھول کے سن لے، تیرے اندر نہ کوئی نفع کی صلاحیت ہے نہ نقصان کی. اگر میں اپنے محبوب کو نہ چومتے دیکھتا تھا تو میں کبھی نہیں چومتا، لیکن میں اپنے محبوب کو دیکھا ہوں تو کبھی نہیں چومتا. لہٰذا مسلمانوں کا قبلہ درست کرتی ہے بھائی، یہ غلط ہے، ایک عقیدت ہے، کیونکہ انسان کے اندر ایک حس رہتی ہے، کسی کے درمیان گھر کا چکر لگانا، محبت میں کسی کے اس میں جو ہے چومنا. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے گھر کے چکر کیسے لگا، تو چلو خانہ کعبہ دے دیتے، اسی کے چکر لگاتے رہو، خواہش پوری کر دو. چومنے کی خواہش ہے تو چلو ایک جنت سے پتھر بھیج دیتا ہوں، اسی کو چومتے رہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں خواہش پوری کر دیا. یہ مقام ابراہیم کا دورے کا نماز پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو ہے جنوب کے سائڈ میں صفا نام کا ایک پہاڑی ہے، اور اسی کے شمال کے سائڈ میں جو ہے مروہ پہاڑی. اس پر آتے ہیں اور پہلے صفا سے شروع کرتے ہیں، پھر مروہ تک جاتے ہیں، پھر مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، سات مرتبہ آنا جانا کرتے ہیں. اسٹارٹنگ صفا سے اور اینڈ مروہ، سات چکر کو کیا بولتے ہیں؟ صحیح. اور جب چڑھتے ہیں تو وہی قرآن کی آیت ہے وہ پڑھتے ہیں، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. کیونکہ جب مکہ فتح ہو گیا تھا صحابہ کرام یہ کام کر لیے کہ اس کو چڑھنے میں جو ہے تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہو رہے تھے کہ پتا نہیں یہ جاہلیت کا حصہ ہے یا پھر جو ہے حج کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، صفا مروہ جو ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، وہ کنٹینیو جاری ہو. تو یہاں پہ جو ہے سات چکے لگاتے ہیں، اور یہ خاص طور سے کن کی یادگار ہے؟ یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی، جو انہوں نے اپنے بیٹے کے پانی کے تڑپ میں جو ہے کبھی صفا پہ چڑھی، کبھی مروہ پہ، کبھی صفا پہ، کبھی مروہ پہ، کبھی صفا پہ، کبھی مروہ پہ. تو اسی کی یادگار کے طور پر وہ اللہ تعالیٰ کو وہ آدھا وہ توکل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت تک سارے حاجیوں کو میں دوڑاؤں، چاہے وہ سعودی کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی دوڑے. اور یہیں پہ جو ہے چھوٹا سا ایک ایریا ہے جہاں پہ لال ہری بتی چلتی رہتی ہے، اس کو بولتے ہیں میلین حضرہ. اس زمانے میں یہاں پہ ڈھلان تھا، حاجرہ علیہ السلام تھوڑا تیز سے دوڑتے. تو یہاں پر جو ہے مردوں کے لیے جو ہے دوڑنا کیا ہے؟ سنت. عورتیں جو ہے عام رفتار سے. اس طرح سے جو ہے یہ جب صحیح آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر جو ہے حلق کرائیں گے یا قصر کرائیں گے. حلق کہتے ہیں بال منڈانے کو، اور قصر کہتے ہیں بال کو چھوٹا کرنا. عورتوں کے لیے تو قصر ہی ہے، لیکن مرد کے لیے دونوں آپشن. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ مرد حضرات جو ہے وہ حلق کرائیں، بال نکالیں. ان کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ دعا، اور قصر کرانے والوں کے لیے ایک مرتبہ دعا. عقل مند کے اشارہ کافی. یہ جو ہے چار کام جو ہے، یہ احرام کی پابندی کو ایکسیپٹ کرنا، نمبر دو خانہ کعبہ کا طواف کرنا، نمبر تین صفا مروہ کا صحیح کرنا، اور نمبر چار حلق قصر میں سے کوئی ایک کرنا. یہ چار عمل کو کہتے ہیں عمرہ. ٹھیک ہے. اب عمرہ میں جو ہے صرف ایک دو چیز جو ہے ایڈ ہو جاتا، وہ کیا ہے؟ مرد حضرات جب جو ہے طواف کریں گے نا تو چادر جو لپیٹیں گے تو دایاں شولڈر جو ہے وہ باہر نکالیں گے. اس کو بولتے ہیں اضطباع. سب دا ہارڈ ورڈ ہے، جیسے مسلم دنیا ہارڈ ورڈ ہے ویسے یہ اجتباع. عمرہ کے طواف میں حاجی یا عمرہ کرنے والے کا دایاں شولڈر نکال لینا کیا ہے؟ اجتباع. اور پہلے تین چکر میں جو ہے اکڑ کے چلنا، تیز تیز قدموں سے چلنا، چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا فوجی اسٹائل میں، اس کو بولتے ہیں رمل. لیکن یہ صرف دونوں کام جو ہوگا وہ عمرہ کے طواف میں ہوگا، حج کے طواف میں. اس کا بھی بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ جب صحابہ کرام آئے تھے اس میں صلح حدیبیہ میں عمرہ کرنے کے لیے یہاں سے آئے تھے، ان لوگوں نے منع کر دیے کہ نہیں اس سال تو ہم نہیں کرنے دیں گے، نیکسٹ ایئر آئیے گا کر لے دیں گے، تین دن کے لیے فری کر دیں گے. تو اس میں وہ لوگ کہنے لگے کہ ارے گھبراؤ نہیں، یہ سب کیا ہیں، ہم جو ہے پانی کم چائے ہیں، بالکل کمزور ہیں،
اب مدینہ کے بخار نے ان کے اندر حالت خراب کر دی، ان کے اندر طاقت وقت ہے نہیں، بس وہ تو وعدہ ہو گیا تھا اس کی وجہ سے ان کو کرنے دیتے رہے، ورنہ فائٹنگ ہو تب تو ایسے مڑا دیں گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن لیے کہ اچھا ہم کو بخار نے لاغر کر دیا ہے، جبکہ واقعی میں ہوا تھا ایسا. مدینہ جو ہے وہ بیماری کا آمادگاہ بہت زیادہ سملرٹی تھی گوندی سے، ٹائیفائڈ ملیریا یہاں کا سمجھے کہ نافی حصہ میں سے. لیکن جیسے ہی جو مکہ سے، مکہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے بہترین آب و ہوا کلاس سے اچھا شہر، اور مدینہ جو تھا بیماری کا جگہ والا جو ہے دھڑادھڑ سارے لوگ بیمار پڑ گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیمار پڑ گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بیمار پڑ گئے، حضرت عائشہ رضی بیمار پڑ گئے، سب بیمار پڑ گئے، سب مکہ کو یاد کر رہے تھے کتنا اچھا آب و ہوا تھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے آب و ہوا مکے کو بہتر ہے تو آپ مدینہ کو بھی بنا، تو جا کر کے پھر وہاں سے بیماری ختم ہو گئی. اب ان لوگوں کو تو ہسٹری سے پہلے تو معلوم ہے وہاں سے بیماری ہے، تو ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ لوگ کیا لڑیں گے، ان کو تو بیماری میں حالت خراب ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھوڑا باڈی دکھاؤ، تو پھر جو ہے دائیں شولڈر نکالا، سارے لوگ جو ہے دائیں شولڈر دکھائیں گے کہ دیکھو باڈی میں کمی نہیں ہے، اب پھر تھوڑا فوجی اسٹائل میں چلو کہ ابھی بھی ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. بات سمجھ میں آئے؟ یہ جو ہے بیک گراؤنڈ ہو گیا. تو اس طرح سے آپ کا عمرہ مکمل. اب میں جو ہے مختصر میں جو ہوں آپ کو حج کا بلا ہے، حج کا جو ہے بہت حج کی تاریخ پہلے جو ہے آپ سمجھ جائیں. متعینہ چھ دنوں میں پانچ مقامات مقدسہ پر نو مخصوص اعمال انجام دینے کو حج کہتے ہیں. یہ بہت آسان بتائیے نا، چھ دنوں میں پانچ مقامات مقدسہ پر نو اعمال انجام دینے کو حج. اب تین ٹکڑا کو سمجھ لیجیے، ہر سمجھ جائیں گے آپ. مطلب بتائیے نا چھ دنوں میں بتائیے نا، یعنی فکس ہے. حج میں عمرہ میں ایک سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ حج آپ فکس دنوں میں ہی کریں گے، عمرہ آپ سال میں کبھی بھی کر سکتے. دوسرا فرق یہ ہے کہ عمرہ کیا ہے، وہ نفل عبادت ہے، اور حج جو ہے فرض عبادت. بتائیے نا چھ دن، بتائیے نا چھ دن کون سا حج تھا؟ آٹھ ذی سے لے کر کے تیرہ ذی الحجہ، چھ دن بن جاتے ہیں آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ. تو آٹھ ذی الحجہ سے پانچ مقامات مقدسہ، پانچ مقامات مقدسہ کیا ہیں؟ طواف کرنا، ایک تو یہ خانہ کعبہ ہو گیا، یہ ایک مقامات مقدسہ، ایک صفا مروہ کا ہو گیا، دو ہو گیا، پھر اسی سے لگ کر کے منا ہے، پھر ہو گیا، پھر ادھر عرفات ہے اور ادھر مقدسہ. چلیے چلیے، یہ پانچ ہے کچھ تھوڑا بھی نہ چلیے، یہ پانچ ہے. یہ بورڈ چھوٹا ہے، یہ پانچ، یہ خانہ کعبہ ہے، یہ صفا مروہ ہے، یہ مینا ہے، یہ اوپر تھوڑا سا عرفات، اور یہ مصطفیٰ. یہ پانچ جگہ پہ جو ایکٹیویٹیز ادا کریں، کن تاریخوں میں؟ آٹھ ذی الحجہ سے لے کر کے تیرہ ذی الحجہ تک، اور پانچ جگہوں پر کتنے اعمال کرنے ہیں؟ نو. یہ کر لیے تو آپ کا حج مکمل. نمبر ایک، نو میں سے پہلا نمبر کیا ہے؟ احرام. احرام کی پابندی حج کے لیے بھی اور عمرہ کے لیے بھی. مرد کا احرام، عورتوں کا احرام، میں ڈفرینس بتا دیا بتانے کی ضرورت نہیں. پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر آٹھ ذی الحجہ کو سارے لوگ منا میں جمع ہو، منا میں جمع ہو گیا آٹھ ذی الحجہ کو، اور یہ آٹھ ذی الحجہ کو بولتے ہیں یوم ترویہ.
सैराब करने का दिन। इस रोज सारे लोग मीना में जमा हो जाते थे और ऊँट को भरपूर पानी नहीं पिलाते क्योंकि नेक्स्ट जो पांच रोज है वो बहुत हैक्टिक डे होने वाला है। तो ऊँट के अंदर ये ताकत है, सलाहियत है कि वो बिना पानी पिए जो है पाँच छः दिन आपको लेकर काम कर सकते। तो खूब जो है मीना में पानी नहीं पिला देते थे ताकि बीच में वो पानी का डिमांड रजिस्टर न। अब यहाँ पर क्या करते थे, दोपहर के टाइम में आ गए तो आप दोपहर पढ़ेंगे, असर पढ़ेंगे, मगरिब पढ़ेंगे, ईशा पढ़ेंगे, फजर पढ़ेंगे, पांच नमाज़ें आप यहाँ पढ़ेंगे और हर नमाज कसर पढ़ेंगे यानी चार रिकत वाली नमाज दो रिकत। तो आठ ज़िलहिज्जा को सारे हाजी अपने अपने होटल से निकल करके कहाँ आ जाते हैं, मीना आ जाते हैं रेडी तैयारी व्यारी के साथ, आराम आराम बांध लिए आ जा आराम से। पाँच नमाज़ें यहाँ पढ़े तो कितनी तारीख हो गई, 9 तारीख हो जाएगी फजर के बाद। फजर के बाद सारे लोग अरफात निकलना शुरू करें, अब बोल तो करीब करीब है लेकिन है दूर, यानी ये मीना जो है खाने का बस 8 किलोमीटर, अभी 4 किलोमीटर मुज़दलिफा बीच, अब फिर जो है 10 किलोमीटर अरफात, यानी मीना से अरफात जो है 14 किलोमीटर, इस लिहाज से काफ़ी लंबा है। अब सवारी से जाएंगे तो और लेट पहुँचेंगे, अब पैदल जाएंगे तो जल्दी पहुँचेंगे क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपको जो है यहाँ से फौरन निकलना है और अरफात में जो है आपको मगरिब से पहले एट एनी कॉस्ट पहुँचना है, मगरिब से पहले अगर नहीं पहुँचे तो आपका हज ही नहीं होगा। अब पूरी कोशिश होगी कि जोहर तक आप पहुँच जाएँ ताकि वहाँ के इमाम के जमात में जो है इब्तिदा में आप नमाज पढ़ सकें, वो दो नमाजें एक साथ पढ़ा देंगे, जोहर भी पढ़ा देंगे और असर भी पढ़ा देंगे, और दोनों नमाज जो है वो असर पढ़ा, जोहर की दो रिकत पढ़ाएंगे सलाम कर देंगे, फिर असर की दो रिकत पढ़ाएंगे सलाम कर देंगे। इसको बोलते हैं जमा तकदीम, जोहरी के वक्त में जोहर असर पढ़ लेने को जमा तकदीम करते हैं और मगरिब के नमाज और ईशा की नमाज ईशा के टाइम में मिलाने को जमा ताखीर, जमा नमाज। तो अब जोहर में अगर ये नमाज पढ़ाएंगे तो एक दो बजे फारिग हो जाएंगे, अब दो बजे से ले करके मगरिब तक आपको अरफाती में बैठे रहना, बैठे रहना या खड़े रहना, और कोई जो है मखसूस इबादत नहीं करती है, ओनली एक इबादत। अब वो क्या है जो सबसे अहम इबादत, अब वो क्या है, दुआ। अद दुआ हुवल इबादत, अद दुआ मुखुल इबादत, कहा था आप नमाज नहीं पढ़ सकते, आप दुआ जो दुआ मांगी आप मांगिए। और ये दिन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हरम के बाहर है अरफा, बकिया सब हरम के अंदर। अल हज यौमुल अरफा, हज कहते ही अरफा के दिन। इस रोज अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज्यादा पूरे 365 दिन में बंदों को माफ करता है, बल्कि जहन्नम से रिहाई करता है, बल्कि अल्लाह ताला बंदों से करीब होता है और प्राउड फील करता है, बल्कि फरिश्तों को ताना भी अल्लाह मानता है, देख इधर आओ ये सब देखो 40 लाख 30 लाख किस ले आए, जब हम तुमसे बोले थे कि हम जो इंसान पैदा करने वाले हैं तब तुमने जो है कमेंट्स क्या ज्यादा जलुफिया महीम से जुफिया, क्या तू उसको पैदा करेगा जो ज़मीन में फसाद फैलाएगा और खराबा करेगा। ये देखो दुनिया के हर कोने से आए हैं, हर नस्ल के हैं, हर रेस के हैं, हर कलर के हैं, हर तरह के बैकग्राउंड रखने वाले हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं या हमारे कुछ नहीं जा रहे। तो तुमको मैं बोला था ना इन्नी आलम माला दालमोन, तो मैं जानता तू नहीं जानता, अब देख सब लोग जो है निकम्मे नहीं होंगे, ये हमारे खुशनुदी के लिए 4-4 लाख रुपया खर्च करके भी आएंगे और यहाँ पर किसी को गुस्सा नहीं आएगा। ये जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा है हाजियों मसावात इंसानी का प्रैक्टिकल, दुनिया में आज तक भाषण दिया गया मसावात में, प्रैक्टिकल में नहीं हुआ। एक ही सपने खड़े हो गए महमूद आयाल, ना कोई बंदारा ना बंदा, इवन के अगर सऊदी का बादशाह मोहम्मद बिन सलमान भी इस बार हज करेगा ना तो दो कपड़े ही मिले, अब उसको सर का ताज निकालना ही पड़ेगा, बिल्कुल एक ही सपना, ये मसावात कहाँ से। इस लिहाज से जो है जो अरफात में आइए बैठिए, अल्लाह ताला जब प्राउड फील कर रहा है आप में तो आपको मांगने में क्या प्रॉब्लम, वो मांगिए। फिर जैसे सूरज गुरूप होगा तो मगरिब का टाइम हो जाएगा, मगरिब की नमाज कोई नहीं पढ़ेगा, सब लोग रात गुजारने के लिए मुज़दलिफा है, अब भागम भाग है, अब देखिए यहाँ सुबह से चले थे यहाँ पहुँचे थे, आप 14-15 किलोमीटर आप चल के गए हैं, चाहे ट्रैफिक में जाए गाड़ी से जाइए या पैदल जाए, हालत तो खराब रहती है, फिर यहाँ बैठे रहे, अब बैठे बैठे मगरिब के बाद फौरन नमाज पढ़े बगैर मुज़दलिफा आपको आना है और रात ओपन एयर में गुजारनी,
मीना में तो आपको टेंट भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर कोई टेंट आसमान के नीचे एकदम एडवेंचरस रात रहती है, 40-50 लाख आदमी आसमान के नीचे ग्राउंड में आप पहुँचेंगे। कुछ लोग जो है 8 बजे पहुँच जाते हैं, कुछ 9 बजे, कुछ 10 बजे, कुछ 11 बजे, कुछ फजर तक भी पहुँचते रहते हैं। यहाँ पर आप आएंगे मगरिब और ईशा नमाज पढ़ेंगे, फिर फजर पर रात में आप जो है नमाज से फारिग होकर चाहे सोए बैठे कुछ भी करें आप। फजर जैसे ही पढ़ेंगे तो तारीख कितनी हो जाएगी, 10 ज़िलहिज्जा हो जाएगी। 10 ज़िलहिज्जा को बहुत ज़्यादा हैक्टिक डे है, और ये असल क्योंकि आप 2 दिन से पहले से थके हो, 8 को आ गए थे मीना और 9 जो है दिन तो गुजारे अरफात में और रात गुजारे मुज़दलिफा में, थक करके चूर हैं, लेकिन अभी जहाद बाकी है। आप फजर पढ़ करके आ जाएंगे कहाँ, मीना। मीना आने के बाद सवाल से पहले पहले नंबर पर काम करेंगे कि वो जो 3 जमरात हैं तो सबसे बड़ा वाला जो है उसको कंकड़ी मारें, और कितनी कंकड़ी मारेंगे, 7, और हर कंकड़ी अल्लाह अकबर के साथ, तो उसको बोलते हैं रमी। बात समझ पाए, वो मीनार जो बना हुआ उसको बोलते हैं कि शैतान को, वो शैतान नहीं है, सिंबल ऑफ शैतान। बात समझ में, उसको कम कंकड़ी मारें, एक काम हो गया। दूसरा काम ये होगा कि जैसे इससे फारिग होंगे तो फौरन कुर्बानी करें, क्योंकि हज तमत्तु किए गए हैं आप, एक सफर में आप हज और उमरा दोनों का फायदा लिए हैं, तो आपको शुक्राने के तौर पर एक जानवर कुर्बान करना होगा, तो कुर्बानी करें। कुर्बानी को अरबी में नहर बोलते हैं, नहर करें, और जैसे कुर्बानी आपका जो है, चाहे आप पैसा जमा कर दें, उधर से फोन आ गया कि आपका कुर्बानी हो गया, या फिर आप अपने से मीना में बना हुआ रहता स्लॉटर हाउस वगैरह, आप अपने से करें, तो जैसे आप कुर्बानी से फारिग होंगे तो फिर आप हलक करेंगे या फिर जो है असर करेंगे। ये 3 काम हो गया, तो उसके बाद आप एहराम की पाबंदी से बाहर। तलबिया जो पढ़ना शुरू किए थे मीना से, तो जैसे पहले कंकड़ी मारेंगे वैसे तलबिया पढ़ना शुरू बंद कर, लेकिन एहराम की पाबंदी से कब बाहर आएंगे, जब हलक करा दें, तब आप गुसल उसूल करेंगे, गुसल उसूल कराने के बाद जो है आप साबुन भी लगा सकते हैं, शैम्पू भी लगा सकते हैं, खुशबू भी लगा सकते हैं, नॉर्मल ड्रेस आप कुर्ता पजामा पैंट शर्ट जो चाहे पहन लें, लेकिन काम नहीं खत्म हुआ, ओनली एहराम की पाबंदी अभी जो है थोड़ा सा कम कर दी। अब अपने नॉर्मल ड्रेस में फिर आप जो है मीना से खाने का बात, खाना खाने के बाद तवाफ करेंगे, जिसको तवाफ है ज़ियारत, तवाफ से वैसे जैसे उमरा का तवाफ है वैसे करेंगे, और उसके बाद जो है फिर सही करेंगे सफा, और इससे जब फारिग हो जाएंगे तो फिर जो है शाम तक हो जाएगा, असर उसर का टाइम हो जाएगा, फिर रात गुजारने के लिए फिर आप मीना आ, मीना से आए थे फिर मीना चले जाएंगे। अब मीना में आप 3 दिन रहेंगे, 11-12 दिन, इसको बोलते हैं अय्याम तशरीक। तशरीक माने रोशन, रोशन दिन, यानी चांद जो है 11-12-13 को बहुत ज़्यादा रोशनी वाला रहता है। यहाँ पर 3 दिन रहेंगे, 2 दिन में भी आप वापस आ सकते हैं, बोरिंग हो रही है घर की याद आ रही है तब आ जाइए, थक गए हैं तभी आ जाइए, और रहने रहें तो 3 दिन रहिए। 3 दिन एक ही काम करना है, सवाल के बाद 3 को कंकड़ी मार, यानी रमी कर, 7 इसको 7 इसको 7, उसके बाद जो है आप अपने होटल में आ जाएंगे, मदीना नहीं गए तो मदीना चले जाएंगे, लेकिन मदीना जाना हज का हिस्सा नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी महरूमी होगी कोई जाए वहाँ ज़्यारत ना कर पाए। और उसके बाद जब आप घर का आने का टिकट रहेगा तो आखिरी काम जो होगा वो तवाफ ज़ियारत, ये विदा, यानी खाने बाबा के जैसे 5 बजे का आपका टिकट है, 3 बजे लास्ट जा कर के काम जो क्या कीजिए, तवाफ कर लीजिए आखिरी तवाफ, फिर इस तरह से फिर आप घर आ जाएंगे, ये मैं आपको मुख्तसर में आपको बताया कि 8 ज़िलहिज्जा से शुरू हुआ 13 ज़िलहिज्जा तक खत्म हुआ। 6 दिनों मुतय्यना, 6 दिनों में, यानी मुतय्यना किस लिए लगाया कि फिक्स है ज़िलहिज्जा ही इस्लामी महीने का आखिरी महीना, 8 ज़िलहिज्जा से लेकर के 6-13 तक 6 दिन, 5 मुकामात मुकद्दसा, 5 मुकामात का अंसर खाने काबा, सफा मरवा, मीना, मुज़दलिफा, अरफा, ये 5 मुकामात मुकद्दसा पर 9 आमाल अंजाम देने को क्या बोलते हैं, हज। अब देख लीजिए एहराम एक नंबर, दो क़ियामे मीना, क़ियामे मीना मतलब मीना में कई दिन रहते हैं उसको क़ियामे मीना, उसके बाद आप कहाँ चले जाते हैं मीना से, वुकूफ़े अरफा, अरफात में 5-6 घंटा के लिए रहते हैं उसको वुकूफ़ बोल देते हैं, फिर उसके बाद जो है वुकूफ़े मुज़दलिफा,
नंबर पांच दूसरे पास फिर कहाँ आ गए, मीना आ गए, मीना तो है लिखा हुआ, तो आप रमी करें। पांचवा काम क्या है, रमी। फिर छठा काम क्या है, शहर और माने कर रखें। उसके बाद सातवां काम क्या है, मतलब आठवां काम क्या है, तवाफ़ ज़ियारत और नौवां काम क्या है, सही। ये नौ काम में तो हज हो गया, बस वो ये सुन्नत है कि आखिरी जो आप आए वो तवाफ़ करने, तो ये नौ काम करने को क्या बोलते हैं, कब पांच मकामात पर छह मखसूस दिन। मकामात हटा देंगे फिर भी हज नहीं होगा, मखसूस दिन हटा देंगे फिर भी हज नहीं होगा। अब अगर गौर करेंगे थोड़ा सा तो आपको समझ में आएगी, इसी नौ में से चार अमल जो है वो करते हैं किसमें, उमरा, इहराम, रमी, नहर और हलक। एक दो तीन चार, ये चार काम जो है। उमरा किस चीज का नाम है, इहराम का, रमी नहीं कर, तवाफ, तवाफ, हाँ तवाफ, इहराम, तवाफ, नहर, हलक, सही सही सही, ये चार। तो आप समझ जाइए कि चार काम, जब नौ में से चार काम करने को उमरा बोलते हैं और नौ के नाम का काम करने को हज, इसीलिए हज को हज अकबर बोलते हैं और उमरा को हज असगर बोलते हैं। दोनों लिटरली में हज ही, बात समझ आए, वो तो लोगों को समझने के लिहाज से उसका दोनों का नाम अलग कर दिया गया, वरना कुरान में आया है कि हज को हज अकबर बोलते हैं और उमरा में कम आबाद है तो उसको हज असगर। इस तरह से मैंने सोचा कि आपके सामने जो है ये बात पेश कर दें और आप जो है आसानी से डायग्राम के बदले समझ सकते हैं। अब यह टेनिस डिटेल है, जब आपका जाना हो फिर आप पर्सनल कांटेक्ट कीजिए, फिर हम आपको जो बताएंगे, या फिर नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट ईयर जब लेंगे तो और भी जो अंदर के तफासिल जो है हम आपके सामने रखेंगे। आज के लिहाज से इतना काफ़ी है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम तमाम को हज साबित नसीब फरमाए और ख़ास तौर से हज पर जो जा रहे हैं तो उसको कमा हमको हज अदा करने की भी तो, क्योंकि तमाम लोग करते रहते हैं और मोबाइल पे लगे रहते हैं और फिर बहुत सारे जो लोग रहते हैं तो गिफ्ट लेकर के जाते हैं और गिफ्ट लाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, तो इसका ये लेके आए थे, इसका ये लेके आए थे, क्या लाना है, सोना खरीदना, ये खरीदना है, इस लिहाज से वहाँ जाइए और रूहानी मंजर से फैज उठाए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी पूरी फैमिली की एक्टिविटीज़ में निगाह रखनी चाहिए। तो उन्होंने कैसे जो है कम से कम वसाइल में अल्लाह को खुश कर लिया पूरी फैमिली, उन्होंने कैसे कुर्बानी, तो वो लोग भी तो अल्लाह के जो है मोहब्बत करते थे, अल्लाह की बात करते थे, तो उनके ज़िंदगी गुजारने का तेवर कैसे, वो तेवर हमारे अंदर है। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन ही आमाल दुनिया में ऐसे हैं कि जो आदमी परफेक्ट तरीके से अगर कर दे तो उसके सारे पिछले आमाल जो गुनाह के रहते ना भूल जाते, खत्म। एक अगर 90 साल का मुशरिक काफिर हिंदू है और वो आज अगर कलमा पढ़ ले तो 90 साल का गुनाह माफ, उसका नाम आमाल बिल्कुल ब्लैंक बिल चुका। दूसरा जो है अगर इस्लाम के रास्ते में अगर इसने हिजरत किया 60 साल की उम्र में किया है तो प्रीवियस सारे बुरे आमाल साफ। और एक तीसरा एक आमाल है हज मबरूर, यानी नेकी वाला हज, एक दिखावा वाला हज रहता है और एक नेकी वाला हज। नेकी वाला हज अगर किसी ने किया है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तो हज करके लौटता है तो ऐसे लौटता गोया कि उसकी माँ ने उसे आज जन्म दिया। नौ मौलूद बच्चे के नाम आमाल में कोई गुनाह रहेगा कि इसने जो उसका फल तोड़ लिया, खा लिया, इसकी गीबत कर दिया, जैसे उसके नाम आमाल में कुछ नहीं रहता है वैसे इसके नाम आमाल में। और उमरा जो है एक उमरा से दूसरे उमरा तक में जितने गुनाह होते हैं वो सब साफ होते हैं, तो इस लिहाज से इशारा है कि बार बार उमरा करना चाहिए। आपने 2009 में उमरा किए हैं और 2019 में कर रहे हैं तो 10 साल में जो छोटे गुनाह हुए होंगे वो सब माफ होंगे। और रमज़ान में अगर उमरा किए हैं तो आपको हज के बराबर सवाब, क्योंकि एक औरत थी उम्मे सन्नान, वो मोहम्मद सल्लम के साथ हज पे नहीं जा पाई, तो मोहम्मद सल्लम ने पूछा कि आप हज पे क्यों नहीं गए, उन्होंने कहा देखिए दो ही ऊँटनी थी हमारे पास, एक बार जो हमारे शोहर और बेटे चले गए
और एक को जो खेती बाड़ी के लिए सिंचाई के लिए जो रख दिया गया और वो भी जरूरी था, अगर मैं भी दूसरी मुट्ठी ले लेती तो ये खेती बाड़ी रह जाता, तो जैसे मैं नहीं जा पाए। तो मोहम्मद सल्लम ने कहा कि इनको बोलो कि रमज़ान जब आएगा तो उम्रा, रमज़ान का उम्रा हज के बराबर। और एक हदीस है जो आम तौर से लोग गलतफहमी करते हैं, मैं भी पहले बोलता था लेकिन मैं इसे रुजू किया, और यही सही एटीट्यूड होना चाहिए कि आप अपने हिसाब से ओपिनियन बनाइए लेकिन हदीस आ जाए तो फिर अपनी बात वापस। मैं शुरू दिन से जो है एक खास बैकग्राउंड था, तो मैं समझता था कि हज लाइफ में एक मरतबा करना बहुत अच्छी बात है, फ़र्ज़ है, उम्रा एक दो मरतबा कर ले बहुत अच्छा, ये बार बार हज करना बार बार उम्रा करना ये टाइम ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी भी, जितने गरीब पड़े हुए हैं इतने ये पड़े हुए हैं ये सब है, इनको ध्यान देना चाहिए, बार बार हज उम्रा पर नहीं जाना चाहिए। ये अपना जो है सोचे हुआ ओपिनियन था, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नहीं, बार बार हज करो बार बार उम्रा करो। अब हदीस जब आ गई तो आप जो है अपना ओपिनियन साइड होना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि उससे क्या बरकत है, और ये हज पर जाने से जो है गरीबी नहीं आती, गरीबी दूर होती इस्लाम से, जिसको जितना चांस मिले, बस ये कि मेरी शिकायत यह है कि जैसे जा वैसे वापस ना आए। हज वही है जो आपको ऑल टुगेदर चेंज करके रखे, आप बार बार जाइए, एनर्जी कम हो जाए पेट्रोल भराने जाइए वहाँ पर, फिर पेट्रोल लेकर आइए एनर्जी लेकर आइए वहाँ पर, सिर्फ जो है गाड़ी चलाने वाले पेट्रोल तो नहीं मिलती है, काम होता दीन को भी रन करने वाले पेट्रोल मिलती है वो लेकर गाई। तो इस लिहाज से अब बस आखिरी जो है ये कंक्लूड हो रहा है बंदा, ये हज जो हुआ था ये फर्ज जो हुआ था वो दो हिजरी या तीन हिजरी में, सूर्य बकरा में भी हज के बारे में अल्लाह ताला ने इशारा किया, और सूर्य आले इमरान जो तीन हिजरी में जंगे उहद के बाद नाजिल हुआ इसमें भी अल्लाह ताला ने इशारा कर दिया वलिल्लाह अला नास हज्जुल बैत मन इस्तता अलैहि सबीला, ये तो फर्ज ही कर, लेकिन इसका प्रैक्टिकल जो टाइम आया वो आप समझ लीजिए, ये सुलह हुदैबिया में तो करने नहीं दिए, सात में जाकर के सहाबा किराम जो है उमरतुल कजा किए हैं, आठ में मक्का फतह हो गया रमज़ान में, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आठ के ज़िलहिज्जा में हज करने नहीं आए, और किसी को अमीर भी नहीं बना, बस छोड़ दिए कि मुसलमान तुमको दिल चाहता तुम भी हज कर लो, गैर मुस्लिम तुम चाहते हो तुम भी कर लो, जैसे पहले से होते चला आ रहा है, और पूरा हज का एक्टिविटीज़ जो है वो रन हो रहा था किसके हिसाब से, पहले गैर मुस्लिम के प्रीवियस तरीके के हिसाब से, बस मुसलमानों का शिर्क नहीं करना था अपने हिसाब से ही अदा किए, लेकिन हज का कंट्रोल जो था वो मुशरिकीन के हाथ में है, क्योंकि तीन ही महीने दो ही महीने के बाद हज आ गया, रमज़ान मक्का फतह हुआ और फिर शव्वाल ज़िलहिज्जा ज़िलहिज्जा में हज आ गया, लेकिन फिर जब नेक्स्ट ईयर नौ हिजरी आया फिर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज का सफ़र नहीं, और लेकिन हज का कंट्रोल मुशरिकों के हाथ से लिया, अब बोले कि नहीं कंट्रोल तो आप हमारे रहेगा, हज के अमीर जो रहेंगे वो हमारे बंदे रहेंगे, और उसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किनको बनाया, हज़रत अबू बकर को सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज का अमीर बनाया, अब वही जब जा रहे थे हज कराने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गए, तो वो आयत जो सूरह तौबा की है वो नाजिल हो गए कि आप हाजी में ऐलान कर दो कि चार महीना का अल्टीमेटम है, ईमान लाओ वरना दफा ख़त्म कर दिया, तो उसके बाद ऐलान कर दिया गया, जब दस हिजरी आया है तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हज के लिए बने हैं, और फिर गैर मुस्लिमों को नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है, और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब बार बार बोल रहे थे सहाबा किराम से कि मुझसे पूछ लो मुझसे सीख लो, मुझे उम्मीद है कि दोबारा मुलाकात नहीं होगा, इस टाइम रुको क्यों मिशन पूरा हो, लिबरेशन ऑफ मक्का, खाने काबा भी पूरा कंट्रोल में आ गया, दीन गालिब भी हो गया है, तो मुझे भेजा किसने किया था, वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही, तो दीन भी गालिब हो गया, हिदायत भी कम्प्लीट हो गई, तो अब लगता है कि मुझे बुलावा आ जाएगा, मुझे ऑप्शन दिया जाएगा, हर रसूल को मरने से पहले ऑप्शन दिया जाता है कि आप दुनिया में रह करके और मज़ा करना चाहते हैं या हमारे पास आकर आराम करना चाहते हैं, तो लगता है कि मिशन पूरा होने के बाद हमें भी कॉल आएगा या कम से कम ऑप्शन आएगा, तो मैं तो वो सेकंड ऑप्शन ही लूँगा, लिहाजा तुम्हारे पास ये टाइम है जितना पूछना पूछ, साहब अगर हम जम के पूछे और उसके बाद आप जहाँ था हजतुल विदा के बहुत बड़म यह मजमा था 1,24,000 थे, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो खुतबा दिए, एक अरफा के दिन खुतबा दिए 9 ज़िलहिज्जा को, एक जमुन्नहर के दिन दिए 10 को, 10 वाला किसी को मालूम नहीं है, इंशाल्लाह मैं किसी रोज़ दोनों खुतबा भी आपको वर्ड टू वर्ड सुनाऊंगा, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा वही हज का पैगाम भी होगा, जो उसमें जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एड्रेस किया वो पब्लिक के सामने आना चाहिए। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ के एक ही जो हज, वरना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कम से कम एटलीस्ट तीन चांस तो मिले, लेकिन काम अभी बहुत ज़्यादा बाकी,
اتنے وفود آ رہے تھے, اتنے لوگوں سے جو ہے سفارتی مطلب باتیں ہو رہی تھی, اور یہ کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائم نہیں تھا, لہٰذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بنا دیا. تو اس لحاظ سے ہم کو دین کا ریشو پروپورشن طے رکھنا چاہیے. اور پھر جو ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آئے ہیں تو ذی الحجہ میں آئے ہیں, پہنچتے پہنچتے جو کیا ہو گیا محرم ہو گیا ہوگا, اس کے بعد محرم سفر ربیع الاول تین مہینے کے بعد دنیا سے چلے گئے. اس طرح سے جو ہے پھر آمد گرام طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو حج کے ساتھ. جزاک اللہ.